महादेव महादेव। दोस्तों, क्या आप जानते हो केदारनाथ हमेशा रहस्यों और चमत्कारों के लिए जाना जाता है। भगवान विष्णु के नर नारायण अवतार ने केदारनाथ में किस देवता की पूजा की थी? केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का निर्माण कैसे हुआ? क्या आपने कभी सोचा है कि इतने ऊंचे पहाड़ पर इतना भव्य मंदिर कैसे बना होगा? केदारनाथ मंदिर की दीवारें इतनी मजबूत कैसे है कि वे भूकंप और बाढ़ जैसी आपदाओं का सामना कर सकती है? केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में क्या रहस्य छिपा है? 2013 की बाढ़ में केदारनाथ मंदिर कैसे सुरक्षित रहा? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिसका जवाब आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। ऐसे बहुत से रहस्य हैं जिस पर से आज हम पर्दा हटाएंगे। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो बिंदास लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। भगवान विष्णु के नर नारायण नाम के अवतार बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे थे। तब अपने दोनों श्रेष्ठ भक्तों की इच्छा पूरी करने हेतु भगवान शिव पार्थिवलिंग के रूप में उनके पूजन को ग्रहण करने के लिए आते थे। उनकी वर्षों की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव वरदान देने के लिए आए। तब नर नारायण ने बहुत प्रसन्न होकर प्रणाम करते हुए कहा, देवेश्वर, यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो हमारी प्रार्थना से आप साक्षात रूप में यहीं पर विराजमान रहे। तब उन दोनों के अनुरोध से महादेव हिमालय के केदार नामक उस तीर्थ में ज्योतिर्मय रूप में स्थित हो गए और वह ज्योतिर्लिंग संसार में केदारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर स्थित है। दोस्तों, केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड राज्य में स्थापित है। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नजदीक में भैरवनाथ टेम्पल, रुद्रनाथ, कालीमठ, कल्पेश्वर टेम्पल, घोड़ीकुंड और सोनप्रयाग आए हुए हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि पांडवों के साथ केदारनाथ धाम की कौन सी कथा जुड़ी हुई है। कहा जाता है, जब पांडवों को स्वर्ग प्रयाण के समय शिवजी ने भेष के स्वरूप में दर्शन दिए थे, जो बाद में धरती में समा गए। लेकिन धरती में समाने से पूर्व भीम ने उनकी पूछ पकड़ ली थी। जिस स्थान पर भीम ने इस कार्य को किया था उसे वर्तमान में केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, एवं जिस स्थान पर उनका मुख धरती से बाहर आया उसे पशुपतिनाथ नाम से जाना जाता है, जो नेपाल में स्थित है। केदारनाथ मंदिर जो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, इसे अर्ध ज्योतिर्लिंग कहते हैं। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को मिलाकर यह पूर्ण होता है। यहां स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। यहां के मंदिर का निर्माण जन्मेजय ने कराया था और जिनोदा आदि शंकराचार्य ने किया था। दोस्तों, आपको यह जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि केदारनाथ मंदिर को रामेश्वरम मंदिर के सिद्ध में बना हुआ माना जाता है। उन दोनों मंदिरों के बीच में कालेश्वर तेलंगाना, श्री कालास्ति मंदिर आंध्र प्रदेश, एकम्बेश्वर मंदिर तमिलनाडु, अरुणाचल मंदिर तमिलनाडु, तिलय नटराज मंदिर चिदम्बरम आते हैं। ये शिवलिंग पंचभूतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्तमान में स्थित केदारेश्वर मंदिर के पीछे सर्वप्रथम पांडवों ने मंदिर बनवाया था, लेकिन वक्त के चलते यह मंदिर लुप्त हो गया। बाद में 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने एक नए मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर के पीछे ही उनकी समाधि है। इसका गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है। पहले 10वीं सदी में मालवा के राजा बोध द्वारा, फिर 12वीं सदी में मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी के अनुसार 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक एक छोटा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। उसमें यह मंदिर क्षेत्र भी था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान देखे जा सकते हैं। दरअसल दोस्तों,
केदारनाथ का यह इलाका चोराबरी ग्लेशियर का एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियरों के लगातार पिघलते रहने और चट्टानों के खिसकते रहने से आगे भी इस तरह का जल प्रलय या प्राकृतिक आपदाएं जारी रहेगी। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। पुरोहित ससम्मान पद बनकर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे उखी मठ में रह जाते हैं। 6 माह बाद मई माह में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं, तब उत्तराखंड की यात्रा प्रारंभ होती है। 6 माह मंदिर और इसके आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 6 माह तक दीपक भी जलता रहता है और निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद यह भी आश्चर्य का विषय है कि वैसी की वैसी ही सफाई मिलती है जैसी कि छोड़कर गए थे। पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार इस समूचे क्षेत्र के तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा और भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नामक एक नए तीर्थ का उद्गम होगा। 16 जून 2013 की रात प्रकृति ने काल बरसाया था। जल प्रलय से कई बड़ी बड़ी और मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह पानी में बह गई, लेकिन केदारनाथ के मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा। आश्चर्य तो तब हुआ दोस्तों जब पीछे पहाड़ी से पानी के बहाव में दुदकती हुई विशाल काय चट्टान आई और अचानक वो मंदिर के पीछे ही रुक गई। उस चट्टान के रुकने से बाट का जल 2 भागों में विभक्त हो गया और मंदिर कई ज्यादा सुरक्षित हो गया। इस प्रलय में लगभग 10,000 लोगों की मौत हो गई थी। दोस्तों, यह मंदिर कतवा पत्थरों के भूरे रंग के विशाल और मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़े 85 फुट ऊंचे, 187 फुट लंबे और 80 फुट चौड़े मंदिर की दीवारें 12 फुट मोटी है। यह आश्चर्य ही है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर वह तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। खासकर यह विशालकाय छत कैसे खंभों पर रखी गई होगी। पत्थरों को एक दूसरे में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। केदारनाथ धाम में एक तरफ करीब 22,000 फुट ऊंचा केदार, दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्चकुंड और तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा भरतकुंड का पहाड़ है। न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का भी संगम है। मंदाकिनी, मधुगंगा, सीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी। इन नदियों में अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे है केदारेश्वर धाम। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। यहाँ कब बादल फट जाए और कब बाढ़ आ जाए ये कोई नहीं जानता। दूसरे सारे ज्योतिर्लिंग की स्टोरीज और उससे हम अपनी लाइफ में क्या सीख सकते हैं, उसके लिए आप ऊपर वाला प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और अष्टवक्र गीता से हम अपनी लाइफ में क्या पॉजिटिव बदलाव कर सकते हैं, उसके लिए नीचे वाला प्लेलिस्ट देख सकते हैं। कमेंट कीजिए हमारे साथ। हर हर महादेव।